हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी। आज मैं बताने वाला हूँ परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट फोर में सम प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशंस। ए पर्सन सोल्ड 1/5 पार्ट ऑफ हिज आर्टिकल्स एट 10% लॉस, 11/20 पार्ट एट 5% प्रॉफिट। एट व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस पर्सेंट he has to sell the remaining article so that he will get overall 7% profit. Okay, इसने क्या किया, 1/5 part of वस्तु 1/5 part वस्तुओं को 10% loss में बेचा। loss मतलब minus मान लेंगे। उसके बाद 11/20 part को 5% profit में बेचा। जो remaining है, remaining कितना होगा, 520 LCM, 5 1 5 4 मतलब इंटू 5 4 20, 20 यूनिट्स होगा एलसीएम। इसको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मान लेंगे 20 यूनिट को। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 20 यूनिट्स मानने से इंटू 20 करना होगा, 5 4 जा 4 यूनिट, 20 20 करने से 11 यूनिट्स कितना हुआ, 4 यूनिट प्लस 11 यूनिट्स 15 यूनिट्स हुआ। और बचा कितना, 20 यूनिट में 5 यूनिट्स बचा। ये 5 यूनिट्स को पूछा गया है तो रिमेनिंग आर्टिकल व्हाट परसेंट, व्हाट प्रॉफिट और लॉस, किस प्रॉफिट में लॉस में बेचा है, प्रॉफिट और लॉस एक्स परसेंटेज मान लेंगे इसको। ओके, किसी लाभ हानि प्रतिशत पर उसे वस्तुओं को बेचना है ताकि 7% लाभ होगा कुल। ओके, इसको एक्सपेंस मानने से टोटल कितना यूनिट माना, 20 यूनिट्स। एक टोटल कितना परसेंटेज था, प्रॉफिट 7% था। ओके, इसको इंटू करेंगे, 4 × 10 -40% प्लस 11 × 5 ये प्रॉफिट था, तो 55% प्लस 5x%, ये किसको बराबर है, ये टोटल 20 × 7% को बराबर है, मतलब 140% को बराबर है। 40 प्लस 55 क्या होगा, 15% प्लस 5x% इज इक्वल टू 140%। तो ये 15 माइनस करने से 5x% इज इक्वल टू 125%, एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज परसेंटेज काटने से 525, मतलब एक्स इज इक्वल टू 25%। ये 5 यूनिट्स को 25% प्रॉफिट में बेचने से ओवरऑल में 7% प्रॉफिट आएगा। ओके, सेकेंड मेथड में देखेंगे, 4 आया, 11 यूनिट्स, 5 यूनिट्स आया, टोटल कितना, 20 यूनिट्स, कितना परसेंटेज प्रॉफिट आया था, तो ओवरऑल 7%। ये 10% हानि, ये लाभ में 5% लाभ में बेचा, ये पता करना है। ये 7% को, 7% को मिनिमम मान लेंगे, मतलब मिनिमम यहाँ पे भी 7% होगा मिनिमम। ओके, उसके बाद कितना ज़्यादा था ये माइनस करना है, 7% माइनस ऑफ -10%, ये कितना यूनिट्स के पास ज़्यादा था, 4 यूनिट्स के पास, प्लस 7% माइनस 5%, मतलब 2% आएगा, इंटू कितना यूनिट्स के पास ज़्यादा था, 2%, 11 यूनिट के पास, ये किसको बांटना है, ये 5 यूनिट्स को बांटना है। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 प्लस 7 17, 17 × 4 68% प्लस 2 11 22% बाय 5, टोटल कितना आया, 90% बाय 5 18% एक्स्ट्रा आया। ओके, ये एक्स्ट्रा किसको ऐड करना है, मिनिमम को ऐड करना है, 7 + 18% इज इक्वल टू 25% प्रॉफिट में, ये 5 यूनिट को बेचने से ये ओवरऑल 20 यूनिट को 7% प्रॉफिट आएगा। ओके, ए पर्सन बाइस टू आर्टिकल सेट 9500, इफ ही सेल्स हिज फर्स्ट आर्टिकल सेट 20% प्रॉफिट but sells second article at 23% profit. If the total selling price is 11,550,
देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स। ओके, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 9,500 पर खरीदा है, तो एक को एक्स मानने से दूसरा क्या होगा, 9,500 माइनस एक्स होगा। ओके, कुल में दोनों को किस में बेचा, 11,550 में बेचा। ओके, तब कितना होगा डिफरेंस, 2,050। ये तो प्लस था, इसलिए क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट किसको बराबर था, इसमें 20% प्रॉफिट में भेजा, इसमें 23% प्रॉफिट में भेजा। टोटल कितना आया, ये दोनों मिला के, दोनों मिला कितना आया, 2,050 आया। मतलब एक्स में 20%, मतलब 1/5 प्लस इसमें 23% इंटू एक्स बाय 23/100 इज इक्वल टू 2,050। एंड एक्स बाई 5 माइनस 23x/100 प्लस 9,500 इंटू 23/100 इज इक्वल टू 2,050। 100 100 कटने से, ये एलसीएम करने से क्या आएगा, 100/5 20 जा 20 इंटू एक्स 20x माइनस 23x प्लस 95 इंटू 23 2,185 इज इक्वल टू 2,050। 20x माइनस 23x माइनस 3x बाई 100 इज इक्वल टू 2,050 माइनस 2,185 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस करने से माइनस 135। ओके, मतलब माइनस 3x बाई 100 इज इक्वल टू माइनस 135। माइनस माइनस करने से 3 45 जा एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 100 4,500। मतलब फर्स्ट आइटम का लगता प्राइस 4,500 है, तो सेकंड वाले को कितना होगा, 5,000 होगा। किस लिए, दोनों मिला के 9,500 में खरीदा था। ओके, तो सेकेंड मेथड में 9,500, इसमें 20% फर्स्ट में प्रॉफिट आया, सेकेंड में 23% प्रॉफिट आया। ओवरऑल कितना में बेचा, 11,550 में। प्रॉफिट कितना आया, 2,050 प्रॉफिट आया। तो इसको 20 प्लस 3% तो लिख सकते हैं, 20% मिनिमम मानने से ओवरऑल में कितना आया, 20% तो आएगा ओवरऑल मिनिमम, इंटू 20%। ओवरऑल 20% हटाने से कितना आएगा, 1,900। 9,500 में 20% कितना आएगा, 1,900। ये माइनस करने से कितना बचेगा, 150। ये 150 किस लिए आया था, ये 3% की वजह से ये 150 ज़्यादा आया था। ओके, मतलब 3% इज इक्वल टू क्या होगा, 150। 3 1 जा 3 50 जा, तो 1% इज इक्वल टू 50। 100% इज इक्वल टू क्या होगा, 5,000। ये 5,000 किसका बराबर था, इसका सीपी था। इसका जो कॉस्ट प्राइस है 5,000 है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जो रिमेनिंग 4,500। दोनों वस्तुओं का लागत प्राइस, एक 4,500 एक 5,000। द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट RS 50 इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रॉफिट व्हेन इट इज sold at RS 70. The above mentioned percentage of the profit or loss on the article is, okay. इसमें जो बोला गया है, 50 रुपीस में बेचने के टाइम में जो हुआ लॉस, जो वो है, जो 70 रुपीस में वही आइटम 70 रुपीस में बेचने से जो प्रॉफिट का बराबर था, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस था। ओके, प्रॉफिट कब आएगा, SP माइनस CP, ये सी लॉस CP माइनस SP। प्रॉफिट कब आ रहा है, 70 रुपीस में बेचने से प्रॉफिट आ रहा है, 50 रुपीस में बेचने से लॉस आ रहा है। ओके, मतलब 2 CP इज इक्वल टू क्या होगा, 120। CP इज इक्वल टू 2 काटने से 60 आएगा। ओके, CP 60 है, तो हम लोग प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट को प्रॉफिट और लॉस कोई भी एक चाहिए, तो प्रॉफिट लेंगे। SP कितना था, 70 ये केस में, माइनस CP 60। प्रॉफिट इज इक्वल टू 10, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 10/CP इंटू 100। 10 10 करने से 1/6 इंटू 100 है, तो 69 2/3% और 16.5
66%। ओके, सेकेंड मेथड में SP1 दिया गया है, SP2 दिया गया है 50 रुपीज़ फर्स्ट केस में, SP2 70 रुपीज़ दिया गया है। इसमें 50 रुपीज़ में बेचने से लॉस आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, इसको 1 यूनिट मान लेंगे। लॉस को 1 यूनिट मानने से प्रॉफिट भी इक्वल था 1 यूनिट होगा, मतलब लॉस मीन्स माइनस हो, माइनस लेंगे, यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे, करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी माइनस होगा, मतलब 1 यूनिट माइनस 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, 70 माइनस 50, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट क्या होगा, 2 यूनिट इज इक्वल टू 20, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 होगा, मतलब प्रॉफिट भी 10 होगा, लॉस भी 10 होगा। प्रॉफिट लेने से सीपी कितना आएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, मतलब 70 माइनस 10 60 होगा, तब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 10/60 × 100, 1/60 × 100 मतलब 16 and 2/3%। ओके, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल RS 970 एंड लॉस इंक्यूर्ड विल बी 20% मोर देन द प्रॉफिट इंक्यूर्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट 1080, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 30% प्रॉफिट। ओके, इसमें SP1 दिया गया है, SP2 दिया गया है, फर्स्ट केस में 970 में बेच रहा है तो लॉस आ रहा है। ओके, उसके बाद 1080 में, 1080 में बेचने से वो प्रॉफिट आ रहा है, वो परसेंटेज कितना दिया, 20%, मतलब 20% मोर बोला, मीन्स 1/5, मोर मीन्स प्लस, वो किससे मोर था, जो आर्टिकल है लॉस जो हो रहा है वो प्रॉफिट से ज़्यादा था, 20% ज़्यादा था, मतलब प्रॉफिट से तुलना कर रहा है, लॉस को प्रॉफिट से तुलना कर रहा है, मतलब प्रॉफिट 5 यूनिट से तो लॉस क्या होगा, लॉस ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, 1 यूनिट ज़्यादा था, 6 यूनिट्स होगा। ओके, मतलब लॉस मतलब माइनस होगा, यूनिट यूनिट। ओके, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस होगा, 5 यूनिट माइनस ऑफ माइनस 6 यूनिट इक्वल क्या होगा, 1080 माइनस 970, तब क्या होगा, 11 यूनिट इज इक्वल टू 110, 11 11 कटने से 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, तब क्या चाहिए आपको, सीपी चाहिए, सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो गया है, 10 1 यूनिट इक्वल टू 10 है तो 5 यूनिट इक्वल टू 50 होगा, प्रॉफिट है तो एसपी माइनस 1080 माइनस 50 प्रॉफिट इज इक्वल टू 1030, कॉस्ट प्राइस कितना आया था वस्तु का, वो वस्तु का 1030 था। ओके, अब सीपी कितना आया वस्तु का, 1030 था, वही वस्तु को 30% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का कीमत किस पर बेचना होगा, मतलब कितना 30% प्रॉफिट चाहिए, 30/100, 0 0 कटने से 3/10 प्रॉफिट बोला तो प्लस सीपी एसपी, सीपी कितना होगा, 10 यूनिट्स है तो ये 13 यूनिट्स होगा, तो 10 यूनिट्स कितना दिया था, कितना आया था, 1030 आया था, इसका रिलेशन क्या था, × 103, यहाँ पे भी क्या होगा, 103 होगा, मतलब 1339 सर, 1339 में बेचने से आपको 30% प्रॉफिट आएगा। ए पर्सन सेल्स ए टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 10%, इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर 80% मोर, 80 रुपीज मोर, ही वुड हैव गेन्ड 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। ओके, इसमें फर्स्ट केस देखेंगे, सीपी 100 यूनिट्स मान लेंगे, तो वो क्या क्या किया, एक व्यक्ति ने एक टेबल को 10% प्रॉफिट में बेचा, मतलब SP1 कितना होगा, 110 यूनिट। ओके, उसके बाद सेकंड में सीपी 100 यूनिट लेने से क्या होगा, वो जो है 5% लेस कॉस्ट, जब जब खरीदने के टाइम में वो 5% लेस में खरीदा, 5% लेस मतलब 5 यूनिट्स, कितना यूनिट्स हो गया, 95 यूनिट्स, उसके बाद उसका कितना गेन किया, 20% प्रॉफिट आया, मतलब 95 × 20/100, 0.0 to 9.5 × 19, 19 रुपीस प्रॉफिट आया, मतलब 19 यूनिट। SP2 कितना हो गया,
95 प्लस 19 114 यूनिट हो गया, मतलब SP2 कितना हो गया, 114 यूनिट हो गया। मतलब एक कितना ज़्यादा था SP1 से SP2, 4 यूनिट ज़्यादा था। वो कितना ज़्यादा, वो कितना अधिक में बेचा था, 80 रुपीज़ अधिक में बेचा था। मतलब क्या हुआ, ये 4 यूनिट इज इक्वल टू 80 यूनिट्स, 80 रुपीज़ हो गया। ओके, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 हो गया। ओके, तब 100 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, 20 × 100 मतलब 2000। ओके, उसका CP कितना होगा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल 2000 होगा। ओके, अभी SP प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2। प्रॉफिट 1 में पहले कितना आया था, 10% प्रॉफिट था। सेकंड में केस में कितना आया था, 20% प्रॉफिट था। P2 - P1 करने से कितना होगा, 20 - 10 10%। ये किसके बराबर था, खरीदने के टाइम में 5% लेस में खरीदा, मतलब ये भी फायदा था, ये भी लाभ था। प्लस इसमें बेचने के टाइम में 20% ज़्यादा में बेचा, मतलब ये 5% में भी 20% आएगा, इंटू 20%, ये भी प्रॉफिट था। प्लस कितना अधिक में बेचा था, 80 रुपीज़ अधिक में बेचा था, ये भी प्रॉफिट था। मतलब ये 10% के बराबर क्या था, 5%। खरीदने के टाइम में 5% लेस में खरीदा, ये भी प्रॉफिट था कम में। उसके बाद इसमें 20% अधिक में बेचा, ये भी प्रॉफिट था। उसके बाद 80 रुपीज़ अधिक में बेचा था, ये भी बेचने के टाइम में 80 रुपीज़ अधिक में बेचा, ये भी प्रॉफिट था। तब 10% इज इक्वल टू 5% प्लस 5% इंटू 20 मीन्स 1/5, 20% प्लस 80, 5 1 मतलब 5% प्लस 1% इज इक्वल टू 80, 6% प्लस 80 सॉरी प्लस इज इक्वल टू 10%। ये माइनस करने से 4% इज इक्वल टू 80, 4 20 जा 1% इज इक्वल टू 20 आई, तो 100% इज इक्वल टू क्या होगा, 2000। ओके, टेबल का जो है कॉस्ट प्राइस, नगद प्राइस क्या होगा, 2000। ओके, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, इट ही वुड हैव बॉट इट RS 60 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 60 लेस, देन प्रॉफिट विल बी 25%। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ओके, ये फर्स्ट केस में CP 100% मानने से SP1 कितना होगा, 20% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 100% प्लस 20% कितना होगा, 120% होगा SP1। सेकेंड केस में CP 100% लेने से क्या होगा, 60 रुपीज़ लेस में मिला जो आइटम, मतलब 100% - 60। उसके बाद कितना प्रॉफिट में बेचा, 25% प्रॉफिट में बेचा इसको, मतलब SP2 इज इक्वल टू 100% - 60 इंटू 125/100, 25 5 जा 25 4 जा SP2 इज इक्वल टू क्या होगा, 100% - 60 इंटू 5/4। ओके, उसने क्या बताया था, दोनों का डिफरेंस SP2 - SP1 कितना दिया, 60 लेस दिया, मतलब 60 कम में बेचा पहले से। सेकंड केस में 60 कम में बेचा, मतलब कम मतलब माइनस हो गया। ओके, SP2 मतलब 100% - 60 इंटू 5/4 माइनस SP1 120% इज इक्वल टू -60। ओके, क्या होगा, 100% इंटू 5/4 माइनस 60 इंटू 5/4 माइनस 120% इज इक्वल टू -60, 4 25 जा 25 5 जा 125% माइनस 4 15 जा 15 5 जा 75 माइनस 120% इज इक्वल टू -60, 120 - 120 5% इज इक्वल टू 75, इस तरह जाने से +75 माइनस 60 इज इक्वल टू 15, मतलब 5
1% इज इक्वल टू 3 आई, तो 100% क्या होगा, 300। ये 300 क्या था, इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ द एन आर्टिकल, ओके, वस्तुओं का लागत प्राइस। सेकेंड मेथड में देखेंगे, फर्स्ट केस में क्या दिया, 20% प्रॉफिट मतलब 1/5 प्लस सी पी एस पी, जो इनिशियल था 5 यूनिट्स था, 6 यूनिट्स हो गया। सेकेंड में इसमें क्या बोला, 25% प्रॉफिट आया, ओके, 25 मतलब 1/4 प्रॉफिट, 4 से 5 यूनिट हो गया। टोटल क्या हुआ, यहाँ पे भी -1 यूनिट कम हुआ, यहाँ पे भी 1 यूनिट कम हुआ। मतलब ये 1 यूनिट किसके बराबर होता है, खरीदने के टाइम में भी 60 रुपीज़ था कम हुआ, उसके बाद बेचने के टाइम में भी 60 रुपीज़ कम में बेचा, मतलब ये 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 60 रुपीज़। यहाँ पे भी 1 यूनिट था, यहाँ पे भी 1 यूनिट था, बराबर था। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी 60 रुपीज़ था, यहाँ पे भी 60 रुपीज़ था, 1 यूनिट इक्वल टू 60 रुपीज़। तब हम लोग इनिशियल बोला, प्रारंभ में सी पी कितना था, 5 यूनिट्स था, 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 × 60 इज इक्वल टू 300, ओके, 300 क्या था, इनिशियली कॉस्ट प्राइस, ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।